हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है, या आइदर कोई नंबर पॉजिटिव हो या कोई नंबर नेगेटिव हो, ठीक है ना, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका लिखा है -5 तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर आपका लिखा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो भी 5 होगा। तो ये माइनस हो या ये पॉजिटिव हो, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जैसे और भी देख लेते एग्जांपल, अगर लिखा है -50, ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 50। अगर सिर्फ 50 लिखा है तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे -50, ओके, और आगे माइनस है। तो देखो, ये माइनस का हमको वैल्यू अभी नहीं करना है, ठीक है ना। ये माइनस तो बाहर लगा है, इसके बाहर लगाइए, तो ये माइनस हम लोग का जैसे वैसे ही लगाएंगे, लेकिन इसके लिए ये माइनस है तो भी हम लोग क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस माइनस में तो भी क्या लिखेंगे, 9 ही लिखेंगे। ये अंदर में माइनस है तो इसके लिए 9 ही लिखेंगे, निगेटिव है तो भी। लेकिन ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा था, ठीक है। फिर और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो, लिखा है अगर आपका वैल्यू, अगर जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू कहा गया, ठीक है, जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 0, ओके। और देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। जैसे लिखा है आपका 8-15, ओके, और इसके आगे माइनस लगा है, डन। तो देखो, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगर माइनस में तो भी 15 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर लगा है तो ये वाला माइनस इसका लगा। ये याद रखना, इसका माइनस नहीं है, ये इसके लिए तो 15 हो गया, लेकिन ये माइनस क्यों है, यहाँ वाले के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, आपका क्लास 6 के एक्सरसाइज 4A का हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ओके। सी क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, ये एब्सोल्यूट में, तो इसको हमारा वैल्यू क्या निकालना, -9। तो हम आपको बता चुके, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आंसर विल बी सेम। तो -9 का क्या होगा, 9 होगा, डन। फिर -36, इसका क्या होगा, -36 का आंसर क्या होगा, 36 होगा, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आंसर विल बी सेम, ओके। फिर यहाँ पे 0 का क्या होगा, 0 का होगा, 0 का 0 ही होगा, ओके। फिर इसका क्या होगा, 15 का, 15 पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या होगा, 15 ही होगा। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, 5 में क्या दिया है, -3, ठीक है। तो देखो, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, -3 का 3 ही होगा, लेकिन ये माइनस बाहर लगा है इसके, ठीक है, तो ये वाला माइनस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है हम लोगों का, 7+-3, डन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये 7, इसका 7 का 7, ये प्लस वी प्लस, ओके। नाउ टेल मी, इस -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इसका -3 है तो भी 3 होगा। नाउ अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ओके, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, इसका लिखा है 7-4, ओके। नाउ टेल मी, 7 में से 4 गया क्या आएगा, 7 में से 4 गया 3 आएगा, डन। और 3 का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 3, ओके, 3 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8-, देखो इस 8 के लिए 8 लिख देंगे और ये माइनस का माइनस। नाउ इस -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। नाउ 8-7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 8-, ओके, का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ ना,
दिस वन डन। ओके चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 13 भी सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो 13 नंबर क्या रहा है, राइट 5 इंटीजर निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन माइनस 7, तो माइनस 7 से ग्रेटर, तो एज आई टोल्ड यू ग्रेटर की जब भी बात होगी तो हमें निगेटिव जब भी रहे तो बैक जाना है, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर आपके दिमाग में आ रहा है माइनस 7 से ग्रेटर, तो माइनस 7 से ग्रेटर क्या आप माइनस 10 लिखेंगे, टेल मी ये होगा, इज इट करेक्ट? नो, क्योंकि निगेटिव की केस में जो ग्रेटर दिख रहा है एक्चुअल में वो क्या है, स्मॉलर है। ये विच वन इज ग्रेटर, माइनस 7 इज ग्रेटर और माइनस 10 इज ग्रेटर? माइनस 7 इज ग्रेटर ना, क्योंकि निगेटिव के केस में जो ग्रेटर दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, स्मॉलर है। तो इसमें निगेटिव जब भी हो तो बैक जाइए, बैक इन द सेंस क्या, 7 है तो पीछे ग्रेटर क्या होगा, माइनस 6 होगा। तो 5 निगेटिव कहा गया तो इसे लिखेंगे द 5 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन माइनस 7 आर क्या क्या हो जाएगा, माइनस 6 लिख सकते हो, आप कोई भी लिख सकते हो, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस 6 माइनस 5 लगातार हम लिख रहे हैं आपका, तो आप यहाँ पे लगातार लिखो या कुछ भी लिखो, 5 है तो 5 लिख दिया, आप 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 1 0 0 इज ऑल्सो ग्रेटर देन माइनस 7 है ना। अब देखो दूसरा, इसी का दूसरा कह रहा है राइट 5 निगेटिव इंटीजर्स ग्रेट लेस देन माइनस 20, माइनस 20 से छोटा, तो द 5 निगेटिव इंटीजर्स लेस देन माइनस 20 आर, 5 निगेटिव इंटीजर लेस देन माइनस 20। अब देखो निगेटिव की बात, लेस देन की बात की, छोटा, तो छोटा मीन्स क्या कि आप क्या माइनस 19 लिख सकते हैं, माइनस 19 मतलब इसके बैक से लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि विच वन इज ग्रेटर, माइनस 20 इज ग्रेटर और माइनस 19 इज ग्रेटर? माइनस 19 निगेटिव के केस में जो स्मॉलर दिख रहा है एक्चुअल में वही क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, तो माइनस 19 माइनस 18 तो लिख नहीं सकते, तो ग्रेट स्मॉल लेस देन क्या लिखेंगे, माइनस 21 माइनस 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 25। आप कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि कॉन्सिक्यूटिव ही लिखना है, हम यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव लिखे मतलब लगातार लिखे, आपकी मर्जी, आप लगातार लिखो, या मान लो आपने एक लिखा माइनस 21, एक लिखा 20 माइनस 25, दूसरा लिखना चाहते हो माइनस 30 माइनस 35 या माइनस 36, ऐसे करके भी लिख सकते। ओके थैंक यू।